दीपावली के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ तथा महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस बार दीपावली पे मिट्टी के दिए जलाएं और ग्रीन दीपावली मनाएं। देखिए, यहाँ तक उपचुनावों का सवाल है, पार्टी हारी है इस 4 सीटें, हम जनता ने जो फैसला दिया उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार सत्ता में है, पार्टी केंद्र में भी सत्ता में है, इतने होते हुए भी 4 सीटें हार जानी, मंडी की सीट हार जानी जहाँ से मुख्यमंत्री आप है, तो 3 सीटें ये हार जानी, ये दुख का विषय है। और कोटखाई में जो जमानत जब्त हुई है बीजेपी की, ये भी बड़ी दुख की बात है। लेकिन अब मैं, मेरा जो अपना विचार है, निजी विचार है मेरे अपने, कि मैं ये समझता हूँ कि आप जितने भी चेयरमैन हैं इनको अपने रिजाइन जो है वो मुख्यमंत्री को दे देने चाहिए, पदाधिकारी है जो ये सारे हटा देने चाहिए, इसके रिफॉर्म होनी चाहिए, जो जैसे पदाधिकारी 10 काम नहीं कर रहे, जो काम कर रहे हैं उनको रखें, जो काम नहीं कर रहे उनकी छुट्टी कर दें। सवाल यह है कि कितने चेयरमैन हैं बनाए हुए, सारे चेयरमैन काम ही नहीं कर रहे। अगर सारे काम करते तो पार्टी हार नहीं सकती थी, इसके ऊपर मंथन करना पड़ेगा, मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होना चाहिए, जो मंत्री काम नहीं करते उनको बाहर करना चाहिए, पार्टी को सख्त सख्त निर्णय लेने चाहिए और वर्कर की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जब वर्क जितने सीनियर आदमी हैं उनको इग्नोर किया हुआ पार्टी ने, उनको पूछ ही नहीं रहे, वो अपने घर में बैठे हैं, अगर उनसे काम लेना है तो उनको संपर्क करें, कभी किसी का टेलीफोन नहीं आता, कभी किसी की कोई सलाह नहीं, मशवरा नहीं, संगठन जो है वो कमज़ोर है। मैं पहले भी 7 बार सत्य जी से एक बार बात की थी, मैंने कहा जो स्टेट में पदाधिकारी बनाए हैं या स्टेट में कार्यकारी जो बनाए हैं ना पदाधिकारी, ये मैं मुनासिब नहीं समझता कि ये ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट में भी यानी मतलब जो संगठन है ये जो बनाया है वो भी ठीक नहीं है। मैंने 7 बार जी से व्यक्तिगत रूप से बात की, क्योंकि जो पुराना वर्कर होता है 1957 से हम लगे हुए हैं, जो पुराना वर्कर होता है इनको तो फर्क नहीं पड़ता, जो हार जाते हैं जीत जाते हैं हारने के बाद, फर्क तो पुराने वर्कर को पड़ता है, वो मजूस होता है पुराना वर्कर के, मेरी अनदेखी हुई है और मैं घर में बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, अगर मेरे से काम लेना है तो उनको चाहिए कि मेरे से काम लें, अगर मैं नहीं काम कर सकता घर में बैठ सकता, कुशल क्षेम तो पूछ सकते हैं, ये तो कुशल क्षेम भी किसी की नहीं पूछते अब तो।